हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्मा ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर तत्त्व श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार ठाकुर जी ने मिट्टी भूषण किया, मिट्टी खाया, तो उसका कई कारण गुरुदेव ने बताया और उसको हम कर श्रवण किया। अब यहाँ ठाकुर जी ने जब मिट्टी खाया तो ठाकुर जी ने अपने मुख में पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड को दिखाया, जसोदा मैया को पूरा अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड को दिखाया और जसोदा मां देख के तो डर गई, बोल रहे हैं वो पूरा विश्व ब्रह्मांड किसके हृदय रहते हैं, किसके अंदर रहते हैं, कि भगवान के अंदर रहते हैं, कि वो ना हो मेरा नाना भगवान ना है। और ये सोच रहे हैं कि गर्गाचार्य पहले बोल रहे थे कि नारायण समय में कि नारायण के कुछ अंश इसके अंदर होगा, तो वो ना हो ही गर्गाचार्य का बात सत्य हो गया। और ये देखते ही हो ठाकुर जी को मतलब आग बंद कर दिया, जो सर में देख के डर गए और आग बंद कर दी और आग बंद करके ये सोचने लगे कि ये हो ना हो भगवान है। उनमें थोड़ा सा किंचित मात्र ऐश्वर्य भाव प्रकाशित हुआ और इतने में कृष्ण सोचते हैं कि अब तो सब गड़बड़ी हो गई, मैंने तो यशोदा मैया को बस अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, अब मैया मुझे क्या करेंगे ना, जिस प्रकार मुझे भगवान मानने लगे हैं, जिस प्रकार भगवान को घर में एक अलग से कमरे में बंद करके जैसे कुछ बताता है कुछ माखन मिश्री दे देंगे और बस पूरा दिन भर बंद कर देंगे और मेरा सखाओं के साथ खेलना वलना पूरा बंद कर हो जाएगा और तुम मुझे भगवान मानने लगेंगे, तो फिर मैं मैया के वो बात जो प्रेम है उसको मैं कैसे आस्वादन करूं। फिर इतने में कृष्ण के जो इच्छा शक्ति जोग माया वैष्णवी देवी ने फिर वहां पे सब लीला को अंतर्ध्यान कर देते हैं और वहां पे यशोदा मां फिर से कृष्ण को गोद में लेके स्तनपान करवाते हैं। फिर यहाँ कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं यशोदा मां कौन है कि ये पूर्ण को पूर्ण माधुर्य रस का मूर्तिमान स्वरूप है। फिर इनमें ऐश्वर्य भाव कैसे प्रकाशित हुआ कि ये सोचने लगे क्यों कृष्ण भगवान है, तो यहाँ पे बता रहे हैं बुद्ध बता रहे थे उदाहरण देते हुए कि जिस समय पे अंतिम काल में जब एक शव को अंतिम यात्रा पे शमशान तक लिया जाता है तो वहां पे राम नाम सत्य है बोल के सब कुछ बात छूटा है ये नारा लगाते लगाते ले जाते हैं, तो जो लेके जाते हैं उसी क्षण जो जो हम उनको कंधे देते हैं या उनके साथ जो अंतिम यात्रा में जाते हैं और लोग सोचते हैं कि अरे ये तो जीवन में इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ लेके जा नहीं रहा है, तो उनके हृदय में भी थोड़े देर के लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाए। जब तक शमशान में भी जैसे आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद किस प्रकार का अवकाश वो सब देख के उनके हृदय पिघल जाता है, बोलते हैं कि अब तक हम भजन करेंगे, अब देखो हमारे सामने ये था और अब चला गया और हमारे सामने ये कुछ भी इतना सारा कमाया लेकिन कुछ भी लेके गया नहीं, तो थोड़ा सा वैराग्य उनके हृदय में जागृत होता है। तो फिर जब वो घर में आते हैं फिर अपने पुत्र परिवार से मिलते हैं फिर से माया जाल में वो फंस जाते हैं और पूरा का पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने एक वार्ड यूज किया था शमशान वैराग्य, जिस प्रकार शमशान में ही वैराग्य उत्पन्न होगा फिर घर आके पूरा का पूरा जैसे की वैसे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए उसी प्रकार यशोदा माता के हृदय में बस कुछ समय के लिए ही कृष्ण का ऐश्वर्य जो भाव है कृष्ण भगवान है ये आ रहा है, लेकिन वास्तव में यशोदा माँ कौन है पूर्ण को पूर्ण वात्सल्य जो जसोमती मैया नंद बाबा है वो नित्य जगत में नित्य जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण के नित्य परिकर है, वहीं पर नित्य उन्होंने ये सब लीला इस जगत पे जैसे लीला कर रहे हैं वहीं पर भी ऐसे प्रकार का लीला किया है और वो नित्य उनके पिता माता है
फिर उनका जो पुत्र है ये बोल रहे हैं इनका जो साधन है ये द्रोण और धरा का है। द्रोण है जो द्रोणाचल पर्वत और धरा। एक समय इन्होंने बहुत तपस्या किया, तपस्या में ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होके इनके सामने साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। तब ये द्रोण और धरा उनसे वरदान मांगते हैं, बोलते हैं हे ब्रह्मदेव आप हमको वरदान दो कि कभी हमें भगवान को बात्सल्य प्रेम प्रदान करने का सुख प्राप्त हो। जिस प्रकार से मैया अपने स्वाभाविक रूप में ठाकुर एक बच्चा को बात्सल्य प्रेम प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारा भी कभी सौभाग्य हो, कभी हमारे गर्भ से ठाकुर जी जन्म ले। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे तथास्तु किया था। तो वही जो द्रोण और धरा वही उन्होंने ही यहाँ पे नंद बाबा जो नित्य जगत के जो नंद बाबा यशोमती के शरीर में तदात्म हो गए, जो द्रोण थे वो नंद बाबा के शरीर में तदात्म हो गए और जो धरा थे वो यशोमती मैया के शरीर में तदात्म हो गए, उनसे मिल गए। और जिस प्रकार नंद बाबा और यशोमती मैया नित्य जगत में जिस प्रकार का वात्सल्य प्रेम प्रदान करते हैं, अब इनके अंदर तो द्रोण और धरा है और वो भी इनके साथ ही आनुषंगिक रूप में उसी वात्सल्य प्रेम को आस्वादन करते हैं। फिर एक दिन इससे आगे बोल रहे थे गुरुदेव कि एक दिन यशोमती मैया सोच रहे हैं कि कृष्ण क्या करते हैं ब्रज में चोरी करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं। तो यशोमती मैया सोच रहे हैं कि ये ब्रज गोपी लोग सब तो शिकायत करते हैं, हमने पहले गुरुदेव से सुना था सब लोग शिकायत करते हैं, लगता है मेरे मक्खन में कुछ प्रॉब्लम है। तो लगता है कि हमारे घर के जो मक्खन है मिश्री है उसमें ज्यादा मिठासपन नहीं होता, इसलिए कृष्ण बाहर जाके चोरी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यशोमती मैया खुद मक्खन बनाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इससे आगे गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पित्तानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि पर जोर करके हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्याण श्रवण कर रहे थे श्री नंद जसोदा का कितना सौभाग्य है साक्षात जो परम ब्रह्म परात्पर तत्व की वो पिता माता है, हैं ये पिता माता। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं इनके अंदर में कितना प्रेम है जो साक्षात भगवान जिनकी बेटे बन करके आए, जिनको वेद में ब्रह्म कहते हैं, उपनिषद में ब्रह्म कहते हैं, शास्त्र में भगवान कहते हैं, अलग अलग रूप में कहते हैं। अभी वो कौन है? नंद यशोदा का ये बच्चा है। अगर इनकी प्रेम इतना, इसलिए वो सोच रहे हैं ऐसे हम लीला वर्णना करनी चाहिए कैसे कृष्णा कैसे उनको पिता माता के प्रति कितना प्रेम में बसीभूत है, ऐसे हमें एक लीला को वर्णना करनी चाहिए। ये सोच करके फिर ये दाम बंधन लीला को फिर ये वर्णना कर रहे हैं। बोले एकदा गृह दासिषु जसोदा नंद गृहिणी कर्मांतरे निजुक्तासु निर्मंथन स्वयं दधि
जानी जानी अगितानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले गायन्ति तान गायत। गत के लिए हम श्रवण कर रहे थे, अभी मैया जसोदा ये सोच रही हैं, लगता है मेरे घर का जो दासियां ये ठीक ठीक से मक्खन कैसे बनानी चाहिए, शायद इनको आता ही नहीं, शायद घर का मक्खन खट्टा होता होगा इसलिए, गोपियों घर का मक्खन मीठा होता होगा इसलिए कृष्णा अपना घर का मक्खन छोड़ करके दूसरे घर में कृष्ण मक्खन खाते हैं, इसलिए मैं स्वयं आज स्वयं मैं दधि मंथन करूंगी। ये सोच करके कहते नंद बाबा का घर में कितने गैया थे, कहते कहते 11 लाख गैया जिनको घर में, लेकिन ये 11 लाख गैया को अंदर में जिस गैया का कान काला रंग का हो, श्याम कर्ण, जैसे श्याम कर्ण जो घोड़ा है ना ये दुर्लभ है, और उसी घोड़ा को द्वारा ही कहते हैं जो यज्ञ होता है, हैं जो असंबद्ध यज्ञ उसी घोड़ा को द्वारा होता, सब घोड़ा को द्वारा नहीं होगा, इसलिए उसी तरह जिस गैया का कान क्या बोला श्याम कर्ण गैया हो, ये गैया भी कहते दुष्प्राप्त है। नंद बाबू का घर में कितने गैया, बोले 9 लाख गैया, लेकिन उसका अंदर में कितने ऐसे गैया थे, बोले केवल 8-10। 9 लाख गैया का अंदर में केवल 8-10, और कौन सा समय में, जहां पर साक्षात कृष्ण थे, जहां पर ठाकुर स्वयं थे, उसी समय में भी कहते ऐसे गैया जो दुर्लभ, कहते केवल 8-10 गैया इनकी अंदर में थी ऐसे, और जिनकी गैया का जो दूध है, दूध से जो खुशबू, कहते पद्म गंधा गाभी, ये गाभी भी बड़ा दुर्लभ है, ये इसके दूध से कमल फूल का खुशबू निकलेगा, अगर यहाँ पर इसको दूध निकालना पूरा चारी तरफ में कमल कमल फूल का खुशबू फैल जाएगी, पता चलेगा कहीं गैया का दूध कहीं निकल रहे हैं, और वो दूध को गर्म कर उसका जो खुशबू आएगी ना पूरा कमल फूल का, उसका खुशबू भी कमल फूल का आएगी, अद्भुत है, और वो दूध को जो पान करेगा उसका शरीर का सारी बीमारी नष्ट हो जाएगा, शरीर में हृष्ट पुष्ट, शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, ऐसे गाभिया है, इसलिए मैया ने क्या की खुद अपना हाथों से दूध को निकाली, यहाँ पर दिखा रहे हैं कृष्ण, यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं कृष्ण का प्रति नंद जसोदा की कितने अद्भुत प्रेम है, ये नंद बाबा जसोदा कौन है, ये राज रानी और राजा है, राज रानी राजा थोड़ी कोई सेवा करते हैं, वो तो अपना बैठ करके अपना आसन अपना आदेश चलाते हैं और सब दास दासियां करती हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जिसको प्रति तुम्हारे प्रेम होगा ना वो प्रेम अंदर अंदर नहीं समाएगा, वो प्रेम अपने आप बाहर आएगा, जो मैया बच्चे को प्रेम करता है करती है मैया, उसके लिए क्या करती है, कपड़ा लगा करती है, उसको स्नान कराती है, उसको भोजन कराती, करा देगी नहीं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने प्रेम है जो कि भगवान होते हुए कैसे अपना हाथों से मैया जसोदा स्वयं कैसे कृष्णा सेवा करती है, इसलिए यहाँ पर क्या देती है, जो सेवा है ना वो पैसा देकर के सेवा नहीं होता है, हम किसको पैसा दे दिया बस उसने सेवा करते, बोले नहीं हनुमान जी पैसा देकर राम की सेवा करते हैं, क्या हनुमान के पास पैसा नहीं है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, तो उनका अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, क्या पैसा नहीं था, वो राम की पैसा देते थे किसको रखे राम की सेवा करो और हम मस्ती लेते, हमारे श्री राधा रानी साक्षात सर्वलक्ष्मीमयी राधा रानी है, हैं क्या उनके पास में पैसा नहीं था, कृष्ण के लिए बोले रसोई बनाने के लिए दूसरे बना, राधा रानी अपने हाथों से रसोई बनाती, स्वयं विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, कहते राधा रानी के शरीर कितने कोमल अंग है, कहते सूर्य चंद्र का जो किरण है, चंद्र का किरण ठंडा है ठंडक है, लेकिन चंद्र का किरण भी राधा रानी के शरीर को ताप देती थी, इतने कोमल अंग राधा रानी, लेकिन जब कृष्ण के लिए वो रसोई बनाती है ना 15-20 स्टोव तारे पर लगा हुआ है, आग जल रहे भाटी, उसको बीच में राधा रानी बैठी हुई, अब तो आप लोगों को गैस हो गया कोई चिंता नहीं, बताता हूँ पहले लकड़ी से रसोई बनाना पड़ती थी और कितने गर्मी लगती थी, अभी तो स्टोव अभी गैस हो गया, इसलिए जब राधा रानी बीच में बैठी करके रसोई बनाती थी राधा रानी को कैसे लगती थी, जिसमें एयर कंडीशनर रूम में बैठी थी, क्या राधा रानी को पैसा नहीं दीजिए किसको दे करके, इसलिए वहाँ वर्णना करते राधा रानी ललित ये सब्जी बना अभी कृष्ण आने का समय हो गया, अभी विशाख है ये खीर बना दे, रूपमंजरी उनके लिए ये सब्जी बना, और राधा रानी स्पेशल एक चीज बना देती जिसका नाम था मनोहर लड्डू, है इसका नाम भी मनोहर लड्डू, इसमें काजू पिस्ता बादाम दे करके राधा रानी अपना हाथों से वो लड्डू बनाती थी, और कृष्ण जो पूरा भोजन कर लेते थे ना
कहते नियम है मधुरे न समापय, नियम है मीठा, इधर का लोग तो पहले मीठा खा लेते हैं लेकिन बंगाल में ऐसे नहीं, लास्ट में मीठा लास्ट में देंगे, जितने मीठा जिनकी हो लास्ट में देंगे, क्यों पहले अगर आप मीठा खा लो ना हम मुँह का बंद हो जाता है, अब कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं करेगी, इसलिए वो लास्ट में कहते मधुरे न समापय, अंतिम जो खत्म करनी चाहिए मीठा वगैरह फिर तो मुँह मीठा रहेगा ना, इसलिए कृष्ण लास्ट में वो लड्डू को खाते थे, हैं इतने सुंदर लड्डू जिसको कृष्ण खा कर सारा दुनिया में भूल जाते थे, बोले वाह कितना सुंदर लड्डू राधा रानी का नाम, ऐसे इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ ठाकुर माँ जशोदा नंदा का क्या प्रेम को दिखा रहे हैं, घर में इतने दास दासियाँ रहते हुए भी लेकिन सेवा कौन कर रही है, स्वयं मैया जशोदा दूध निकाल करके दूध का अपने हाथों से गर्म कर रही है और एकदम लाल जब बन जाती है, कंडे में दूध रख लो कभी बनाए रखे हो कभी, एकदम गर्म होते होते तो लाल बन जाती है और इतने मोटी उसका जो मलाई, इतनी मोटी मलाई पड़ जाती है, इसलिए मैया जशोदा स्वयं अपने हाथों से उन्होंने किया कि उन्होंने जमा करके मैया जशोदा दूसरे दिन उन्होंने एकदम सवेरे सवेरे उठ ले और सवेरे सवेरे उठ करके कृष्णा शयन कर रहे थे और कृष्ण को बिस्तर पर छोड़ करके मैया जशोदा आ गए, आ करके क्या कर रही हैं, बोले दधी निर्मंथन काले गायंती तान गायतो, इधर तो दधि मंथन कर रही हाथों में, हाथ में तो दधि मंथन कर रही थी लेकिन मुंह में क्या कर रही थी, ठाकुर का कीर्तन कर रही थी, इसलिए हर माताओं को शिक्षा देती है हाथों में तो जो कुछ करो कृष्ण सेवा करो लेकिन मुंह में क्या करो, ठाकुर जी की नाम जप करो अपना मुंह में, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा है कीर्तन कर रही थी, कहते कुछ तो कीर्तन है जहाँ अभी कृष्ण बड़े हो गए थोड़ी सी बचपन से लेकर के अभी तक कृष्ण ने जो लीला की है वहाँ के जो कवि लोग हैं उन्होंने पहले पूतना को मारे, फिर सकटासुर को मारे, तृणाभर्तों को मारे, सखाओं के साथ में मक्खन चोरी की और उन्होंने उनको उत्थान लीला, यहाँ पर तो भागवत में कुछ कुछ लीला और हमारे जो जीव गोस्वामी हैं तो और हमारे कवि कर्णपुर और हमारे गोस्वामियों ने कृष्ण की बहुत सारी और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, कृष्ण कितने लीला कृष्ण ने की बचपन में, बहुत लीला की है, कहते उन्होंने कीर्तन उसको छंदबद्ध करते हुए सुंदर सुंदर कवियों ने सुंदर सुंदर पद्य लिखा और कुछ पुरेंद्र द्वारा कुछ भी कुछ छंदबद्ध करते हुए उन लोगों ने भी कुछ कीर्तन लिखे हैं, अभी और मैया खुद भी कुछ कीर्तन लिखी, कीर्तन क्या कृष्ण जी और जो लीला करते हैं, कृष्ण कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे नटखट करते हैं, ऐसे ही मैया खुद भी कुछ अपना भजन कुछ कर रही, इधर कीर्तन कर रही हैं और इधर गति मंथन कर रही थी, बोले गोविंद दामो धर्माधरी गोविंद कहते हैं ये मैया कीर्तन क्यों कर रही थी, बहुत अच्छी बात चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो कीर्तन क्यों कर रही थी, बोले इसलिए कीर्तन कर रही थी अभी कृष्णा माँ की गोद में कृष्ण सो रहे थे, कृष्ण तो छोटे हैं ना जैसे बच्चे माँ की गोद में सोती हैं, हैं ऐसे मैया कन्या को गोद में लेकर सो रही थी, जब सो रही थी अभी कृष्ण को छोड़ करके दधि मंथन करने के लिए जब आई, इतने में कृष्ण को जब छोड़ दिए भक्तों का विरह है, जैसे गोपियां कहती ना त्रुटि जुगायते त्वाम वपस्यताम, हैं कृष्ण जब गोचारण करते हुए वापस आते हैं सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी घर से बाहर चली आती क्यों सारा दिन कृष्ण दर्शन नहीं हुआ और गोपियां अपना घूंघट उठाकर कृष्ण दर्शन करती हैं, दर्शन करते समय उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुखारविंद कैसे, बोले कमल फूल जैसे और घुंघटा कैसे कैसे जैसे उसने भवरा मढ़ा रही, जो धूल उठा वो कैसे जैसे हम लोग क्रीम लगाते ना पाउडर लगाते हैं ऐसे गोपियां जब वो रूप का दर्शन करते हुए आंखों का जो पलक झपकती हैं गोपियां क्या कहती हैं, बोले ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कृष्ण इतने सुंदर उसके लिए लाल बर्ण तो आंख दिए ही नहीं केवल दो ही आंख दी और हर समय पलक आंख में ना पलक झपती है ना, कहते पलक जब झपता है आप कोई चीज को देखो पलक झपता पता चलता है पलक झप रही है नहीं, लेकिन उतना समय को कहते हुए कर लो काल जैसे बीत जाता है कृष्ण दर्शन किए बगैर हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे गोपियों के प्रेम की ऐसी अनुभूति
और मैया जसोदा यदि किसकी लक्षण बोले अनुराग का लक्षण है, मतलब जितने देखने पर भी उनको ऐसे लगता है जैसे कृष्ण को हमने देखा ही नहीं। इसलिए मैया अभी कृष्ण को पलंग के ऊपर छोड़ करके आ गई, जब आ गई अभी कृष्ण मैया को छोड़ कर कृष्ण को छोड़ अभी उनका कृष्ण विरह सहन नहीं हो रहा है, लाला को मैंने छोड़ कर पलंग के ऊपर आ गया है, विरह सहन नहीं हो रही है। जब विरह सहन नहीं हो रही है उसी विरह में मैया यशोदा कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण कीर्तन ऐसे भी चीज है, कृष्ण कथा ऐसे एक चीज है, कृष्ण कीर्तन किया है, मतलब कृष्ण कहाँ पर है, बंगला में कहते हैं कृष्ण कथा है, मतलब कृष्ण कहाँ है, बोले कृष्ण कथा है, कृष्ण कहाँ पर है, भगवान कथा सुनना और भगवान से मिलने कोई फर्क नहीं, हम कृष्ण कथा नहीं सुन रहे, कृष्ण के साथ में साक्षात रूप में हमारे मिलन हो रही है। और जो कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं ना मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, बोले नारद में कहाँ रहता हूँ, बोले जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वही रहता हूँ। इसलिए यहाँ कृष्ण कीर्तन और जो कृष्ण कथा है ना कहती है कृष्ण विरह को दूर करने वाली, इसलिए गोपियां कहती है तब कथा बेटे को यह हो गया, बेटी की यह हो गया, पति की नौकरी नहीं, पति का ये हो गया, घर में ये समस्या कोई याद आ रही है, कुछ भी याद नहीं आती, क्यों आप भगवान से मिल रहे हैं ना, लेकिन केवल दरवाजा छोड़ कर चले जाओ, गेट को केवल गेट को पार हो जाओ ना, बाहर संसार का जितने समस्या सो पहाड़ रूप में सर पर बैठ जाएगा। लेकिन प्रभुपाद कहते जब तक ये मंदिर में रहोगे ना संसार का कोई भी दुख कष्ट तुम्हें सता नहीं सकते, क्यों तुम कहाँ पर भगवान के मंदिर में, ठाकुर की दरबार में, भगवान की गोद में बैठे हो। इसलिए मैया यशोदा कृष्ण विरह उनके सहन नहीं हो रही है, इसलिए मैया क्या कर रही है, बड़े सुंदर सुंदर तो पदबंध जो कीर्तन को कृष्ण के सुंदर सुंदर कीर्तन को गा रही है, और इधर क्या कर रही है दधि मंथन कर रही है, जो मंथन कर रही थी मैया यशोदा, इतने में क्या हुआ, मैया के हाथ में चूड़िया, पहले माता है ना एक दो चूड़ी नहीं पहनती थी, हमारे बंगाल उड़ीसा में ना शादी से पहले एक पहनते, केवल एक, जब शादी हो जाती है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक चूड़ी पहनते हमारे देश में है, और हर समय माता पहनी कर लगती है, ऐसे नहीं शादी का समय पहने के ही नहीं, सब समय में चूड़ी इतने यहाँ से इधर चूड़िया पहन कर रखती है शादी हो जाने पर, कहते शादी क्यों, और नुपुर तो हमारे बंगला उड़ीसा में नुपुर भी पहनते थे प्यार में ना, नुपुर पहनती, बोले क्यों, बोले जब नुपुर पहन कर छमछम आवाज होगी, पत्नी जब घर में काम करती हाथ का जो चूड़ी की आवाज होती है ना काम करते समय, उसको सुनकर के पति खुश होता है, मेरे पत्नी घर में काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं। उसी तरह जो भक्त है ना, देखो ये जो भक्त है, ये जो कृष्ण कीर्तन करते विश्वनाथ रहस्य कह रहे हैं, इसका रहस्य बता रहे हैं, कल इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है जब मेरे भक्त लोग बैठे करके, जैसे हम अभी हरि चर्चा कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, हमारे पति कौन है, जगन्नाथ, पति कौन है, कृष्णा हमारे पति है, लेकिन ये वो जो सुनते हैं विश्वनाथ चक्र, वो जब सुनते हैं मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरी कथा मेरी कीर्तन कर रहे हैं, तो सुन सुन के खुश होते हैं, केवल खुश होते हैं ऐसे नहीं, ठाकुर भी स्वयं बैठ करके अपना कथा को, ठाकुर भी स्वयं अपना कथा को सुनते हैं, कृष्ण कथा में इतने रहस्य, इतने आनंद उसमें, इतने रस है, इतने रस है भगवत कथा में। इसलिए यहाँ पर मैया यशोदा हाथ में जो चुनिया पहन करके ऐसे ऐसे घर मंथन कर रहे थे, कितना अभी भी नंदगांव में ना कभी जाओगे, अभी यहाँ इतना बड़ा मटकी, अभी भी वो मटकी
अभी नहीं वो चला गया, लेकिन ये मिट्टी रखा हुआ है। जब गुरुदेव के साथ में हम जब जाते थे वहाँ 3 दिन रुकते थे, गुरुदेव सारे स्थान पर हमको लेकर गुरुदेव जाते थे, हाँ 3 दिन में सारे दर्शन करते थे। अभी वो मटकी इतना बड़ा, पता नहीं कितना क्विंटल दूध उसमें आ जाएगी। और उसी समय हम जिस दिन आते नहीं थे, बड़े लंबे लंबे थे, उतना 9 लाख का दूध कितना होगा, यहाँ पर 10-20 कैया दूध देते हैं, कितना लोग पी लेते हैं। इसलिए जब मैया जैसा करते हाथ का जो कंगन की जो शब्द है जन जन करता था, जन जन मतलब जैसे हम कीर्तन करते ना मजीरा बजाते हैं, वो मजीरा का काम करता है। और उसमें जो रही रही में जो घर 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 शब्द होता है ना, वो किया है जैसे मृदंग का शब्द है, जैसे मृदंग मजीरा से हम कीर्तन करते हैं। इसलिए आप ध्यान लगा कर देखना जो मृदंग का जो शब्द आता है, धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, ये शब्द आती है। इसका मतलब क्या है, ये मृदंग कौन है, श्री बलदेव प्रभु। मृदंग श्री बलदेव प्रभु। हमारे गुरु जी के मठ में नियम है, जो व्यक्ति मृदंग बजाएगा वो सबसे पहले रहेगा सन्यासी। हमारे गुरु जी के मठ में सन्यासी आगे नहीं रहेगी, कौन रहेगा आगे, जो मृदंग जो बजाएगा वही आगे रहेगा। बोले क्यों, क्योंकि जो मृदंग है वो बलदेव प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु साक्षात है। जैसे हमारे दूसरे दूसरे जगह में जो कोई माला पहनाने के लिए आएगा ना, पहले माला कोई नहीं लेगा, सबसे पहले बोलेंगे ये मृदंग को माला दो। बोले क्यों, कि जो मृदंग ये साक्षात बलदेव प्रभु, साक्षात बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा करते हैं, बजती है ना ये कृष्ण सेवा, ये साक्षात बलदेव प्रभु। इसलिए बलदेव प्रभु गुरु है, इसलिए गुरु होने का नाते गुरु का काम क्या है, गुरु गुरु मतलब क्या, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक। गुरु मतलब होता है हमारे हृदय की अज्ञानता को दूर करके हृदय में जो दिव्य आलोक को संचार कर दिए, गुरु का काम है। इसलिए ये अभिन्न बलदेव प्रभु गुरु रूप की केवल धिक्तांग धिक्तांग धिक्तांग, तांग मतलब उसको, धीक मतलब अधिकार है। बोले किसको अधिकार है, बोले ठाकुर ने जिनको ये मानव शरीर दे दिया, लेकिन इसका पाने का बावजूद भी जो भगवान की भजन नहीं करते है उसका जीवन को अधिकार है, उसका जीवन को अधिकार है। एलो आर गेलो, वो आया और गया, उससे कुछ नहीं हुआ है। जानवर जैसे खा पी करके जैसे मर जाते हैं, जैसे तुमने मर गया और तेरे से कुछ हो यानी आई और तुमने गया है। इसलिए वो शब्द है। अब जब मैया कीर्तन कर रही, इधर कीर्तन है, अभी कृष्ण सेवा कर रही है, जब कीर्तन कृष्ण सेवा कर रही है, अगर जहाँ पर आप कृष्ण कीर्तन करो, हाथ में कृष्ण सेवा करो, उसका फल क्या, उसका फल है भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। इतने में कृष्ण तो सो रहे थे, जब सो रहे थे उनका नींद खुल गई। आप देखना बच्चे जो छोटे बच्चे हो ना, जब नींद खुल जाता है आप तब बंद किए होंगे, ऐसे ऐसे बोले मैया आई नहीं, क्योंकि भूख लग जाता है बच्चों को, दूध पीते हैं कृष्ण, ऐसे ऐसे देते हैं, बोले मैया आई नहीं, ऐसे ऐसे तो मैया आई नहीं, बोले मैया कहाँ गई, मेरे को भूख लग रहा है, मैया कहाँ चली गई। इतने में देखा मैया क्या कर रही है, बैठ करके हैं कृष्ण चिंता में, कृष्ण विरह में कीर्तन कर रही है और दधि मंथन कर रही है। इतने में कृष्ण पलक से अपना पेट के सहारा से पलक से कृष्ण धीरे 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 पलक से उतरे, उतर करके उन्होंने आ करके मैया को पीछे पकड़ लिया। बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पिला दे। कृष्ण बोले देख लाला, सूर्य उदय हो जाएगा ना, गर्मी बढ़ पड़ जाएगा, पड़ने पर मक्खन नहीं निकलेगा, फिर पिघल जाता है मक्खन, वो बड़ा कोमल मक्खन होता है, इसलिए तेरे को दूध भी पिला दूंगी, मक्खन भी पिला दूंगी, थोड़ी सी रुक जा, तेरे को दधि मंथन कर लेती। बोले मैया मेरे को अभी भूख लग रही है, अभी तू मेरे को दूध पिला दे। बोले लाला थोड़ी सी रुक जा। इतने में कृष्ण ने देखा है तो मेरे को दूध पिला ही रही है, ये तो दधि मंथन करते जा रही है। बोले जब तक इसका ताम बंद नहीं कर दूंगा ना, ये तो मेरे को दूध नहीं पिलाएगी। इतने में कृष्ण सामने घूम करके आ गए, पीछे से पकड़ रखे थे, सामने आकर के फिर उन्होंने रई को उन्हें पकड़ लिया। मैया ने देखा बाबा ये दला तो बड़े दिमागदार है। बोले मैया का ताम बंद नहीं करने पर मैया में दूध नहीं पिलाई। तब यहाँ पर कह रहे हैं कहते मैया जैसे तो जब दधि मंथन कर रहे थे उस सुंदर मैया, कहते इतने सुंदर मैया, कृष्ण जिसका बेटा होगा माँ की, इतना सुंदर माँ की सुंदरता को, पिता माता की सुंदरता को तो बेटे में आते है ना, तेना जैसे पिता माता सुंदर है तो बच्चे भी ऐसे सुंदर होंगे। मैया जैसे था बड़ी सुंदर, आ कैसे जैसे कृष्ण का नाम पंकज नाभ है, नाम पंकज मालिनी, जैसे जैसे कमल का पंखुड़ी जैसे इतने लंबे आँख है ना, मैया यशोदा की आंखें भी बड़े सुंदर आँख है। और उन्होंने जो वस्त्र पहन रखी थी, उन्होंने कौन सा एकदम पतले वस्त्र हैं, सूक्ष्म वस्त्र पहन रखी थी, एक तरह का क्या उसको क्या बोलते हैं, कॉटन
हाँ सिल्क ये से ना बहुत सुंदर, पहले पहले मिस्त्री ऐसे होते थे साड़ी बनाते थे जैसे अंगूठी की एक अंदर से निकल जाए हाँ रेशम रेशम वस्त्र बड़े सुंदर एकदम पतला वस्त्र पहने जैसे पूरा बाहर से शरीर दिखता है बड़े सुंदर। और मैया जशोदा परिश्रम कर रही थी, कंकण की आवाज हो रही थी, और मैया ने जो कुंडल धारण की थी ये कुंडल भी धीरे धीरे कुंडल भी डोल रही थी, और सारा शरीर जब दध्यमंथन कर रही थी शरीर भी कंपन हो रहा था, और बात्सल रस स्तन से दूध भी झर रही थी, और पूरा मुंह पसीना पसीना तो भरा हुआ। और मैया अपना बेड़ी में जो मालती फूल से अपना बेड़ी को उन्होंने सुंदर करके श्रृंगार करके रखी थी, और वहां से एक एक फूल नीचे गिर रही थी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुंदरता वर्णना कर रहे हैं कहते जो लोग बात्सल रस के उपासक है कहते उनका यही स्वरूप को उनको स्मरण करनी चाहिए है। जैसे श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के वो लोग बात्सल रस के उपासक है, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं यही रूप उनको स्मरण करनी चाहिए। लेकिन हम लोग राधा कृष्ण के उपासक है, हम लोगों का कैसे स्मरण करनी चाहिए? बोले दिव्यद वृंदारण्य कल्प गुरु महाधर श्रीमद रत्नागार सिंहासन श्री श्री राधा श्री गोविंद सर्वमान स्मरण। हम लोग क्या स्मरण करेंगे? वृंदावन में कैसे दिव्य कल्प वृक्ष है, सुंदर कैसे मणि की वेदी है, कैसे गोविंद और कृष्ण कैसे बैठे हुए, चारी तरफ में कैसे सखी मंजरिया कैसे उनको घेर करके खड़ी है। कहते जब पूजा करने से पहले ना इसके नियम है, इसी रूप में हम लोग उसको जो श्रृंगार रस के उपासक है हैं, राधा कृष्ण जैसे गलबहनिया देकर बैठे हुए निकुंज में लीला कर रहे हैं, ये हम लोगों का स्मरणीय वस्तु है। इसलिए हाँ इसलिए माँ का जब इसलिए इतने में जब मैया ने जब किसी तरह से मंथन को बंद नहीं कर रही, जब कृष्ण पकड़ लिए मैया प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर के दधि मंथन को बंद कर दी, कृष्ण को अपना गोद में लेटा दी, अपना बैठा करके उनको स्तन पान कराने लगी। जब स्तन पान करा रही है जैसे माताएं जो बच्चों को स्तन पान कराती हैं, माता बड़ा खुश होता है बच्चा स्तन पान कर रहा है। अभी स्तन पान कौन कर रहा है? विश्व ब्रह्मांड का मालिक स्तन पान कर रहा है। तो मैया इतने प्रसन्न इतने खुश हो रही थी, कृष्ण का मुख को बार बार चुम्बन कर रही थी, और इतने उनकी रोम रोम खिल रही थी मैया यशोदा की, हृदय प्रेम में गदगद हो रहा था मैया, ठाकुर जी स्वयं स्तन पान कर रहे। करते समय मैया ने क्या की थी कि चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए बैठ रखी थी। इतने में वो दूध क्या हो रही थी, धीरे 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 गर्म होकर के दूध उफनते जा रहा था, उफन उफन करके अभी गिरने जा रहा था। तो हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं वो दूध उफन उफन करके गिर रहा था। बोले कारण है ब्रज का जो दूध है ना वो साधारण वस्तु नहीं, ब्रज का जो गैया भी ये कौन है, बड़े बड़े वेद का जो मंत्र ऋचाएं ये सब के सब गैया रूप धारण किए। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि नारद गरुड़ आदि है, नारद और गरुड़ आदि बड़े बड़े जो साधु लोग है ये सब सब ब्रज में गैया बन करके आए। बोले क्यों? कृष्ण सेवा में हमारे दूध, कृष्ण सेवा में हमारे दूध में लगे। इतने में जो दूध है वो धीरे 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 दूध उफनते उफनते दूध धीरे धीरे आ रहे हैं धीरे धीरे। देखो जो गैया है ना, जैसे हमारे हमारे देखो यहाँ पर एक गैया है कि माता जी ने हम लोग गैया दी, जिस गैया के दूध रोज ठाकुर के सेवा में लग रहा है, गैया के दूध हमारे जो गैया यहाँ पर आप देखोगे इतने शांत है, जब सोच नहीं सकते आप जब ऊपर सीढ़ी के ऊपर आते ना फिर ना उधर जो गैया गैया बंधी हुई आप उसको हाथ सहला वो कुछ नहीं करते, एकदम चुपचाप बैठी है। क्योंकि एक दिन किसी ने कहा देखो हमारी गैया कितना शांत है, मैंने कहा गैया साधारण नहीं, क्योंकि सब गैया का दूध छोटे ठाकुर के सेवा में लगता है, और जो दूध दे रही है वो रोज जगन्नाथ जी के सेवा में ठाकुर के सेवा में सारे संतों सेवा में लग रहे हैं, फिर ये गैया क्या साधारण गैया है? ये कोई साधारण गैया नहीं, कोई बहुत तपस्या की होगी जिसका फल स्वरूप में उसको दूध कहाँ पर लग रहा है, रोज ठाकुर को सेवा में लग रहा है, संत लोग वो दूध को पी रहे हैं, वो साधारण गैया है नहीं है। इसलिए ये गैया सब गरुड़ और कौन है नारद आदि सब के सब गैया बन करके आए। इसलिए उस समय जो दूध उफन रहा था माने ये दूध क्या बोल रहा था, बोले लगता है मैं तो कृष्ण सेवा में लग ही नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले कारण है मैया का स्तन में कितने दूध है, जो हम सुनते ना खीर समुद्र, कहते मैया के स्तन में खीर समुद्र
हाँ, मानो जो खीर समुद्र है मैया की स्तन के एक बूंद है, कभी मैया की स्तन से दूध खत्म होने वाले नहीं। कृष्ण का पेट कैसे पहले सुनकर आया ना, विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के पेट में। इसका तात्पर्य यह है कृष्ण का पेट भी भरेगा नहीं, मैया का स्तन भी शेष खत्म नहीं होगा। इसलिए दूध सोच रहा है लगता है मैं कृष्ण सेवा ही नहीं लग पाऊंगा। अगर ये जीवन पा करके हम कृष्ण सेवा में नहीं लग पाए फिर ये शरीर को रख कर क्या लाभ है। जिसे नर्तमदास ठाकुर कहते हैं है? अगर मैं कृष्ण सेवा में अगर लग नहीं पाऊंगा तो कहते पाषाणे कोटि व माता आनले पसी व गौरांग गुनेर निधि को थगेले पाव। नर्तमदास ठाकुर कहते हैं अगर ये जीवन पा करके महाप्रभु का दर्शन नहीं होगा तो ये सर को मैं दीवाल में मार करके सर फोड़ दूंगा और आग को अंदर में प्रवेश कर जाऊंगा अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो है। इसलिए मानो आज इसी बुद्धि में ये दूध क्या कर रहा है, अगर मैं कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा तो शरीर रह कर कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा किया उफन उफन करके जब उत्तल कर गिरेगा कहाँ पर गिरेगा, अग्नि में गिरेगा तो अग्नि में अपना प्राण में त्याग दे दूं। इसी भाव में है, इसी भाव से। लेकिन मैया तो बड़ी जसोदा, उनका नाम जसोदा, जसोदा मतलब क्या, सबको जो जस देती है, सबको जो आदर देती है मैया। भले दूध दूध उफनना नहीं, रुक जा तेरे को मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी। कृष्ण ने मैया बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा। बोले क्या, आधा पेट भरा नहीं अभी तक। बोले दूध से गोद से उतर जा, मेरे को भर पेट दूध पिला करके तू जाया करो, आधा पेट भी अभी मेरा भरा है। मैया ने देखा इधर पूत भी उपन रहा है उधर दूध भी उपन रहा है, जो दोनों ही उपन रहे हैं, अभी मुझे क्या करनी चाहिए। बोले सबसे पहले क्या, मेरे स्थान में जो दूध है वो लाला के लिए तो है, कभी भी वो पी सकता, लेकिन अगर वो दूध उतर कर गया तो क्या होगा, मलाई नहीं बनेगा। फिर लाला थोड़ी देर बाद में मल फिर मांग गया मक्खन, फिर मक्खन कहाँ से दूंगी। अब विशेष करके अगर दूध उफन कर आग में गिरता अच्छी बात नहीं है, ये बच्चे का अमंगल होता है, दूध उफन कर नहीं गिरनी चाहिए। इसलिए मैया ने ये सोच करके सोच रहे लाला उतर जा। बोले अब बंदर बच्चे देखे ना, जिसे बंदर बच्चे से माँ को पकड़ रखती है, हे कृष्ण ने दोनों प्यार हाथ से मैया को पकड़ लिया। बोले नहीं मैया मेरे को दूध पिला करके जा। बोले बैठ बनी मैया पकड़ के जोर से बैठ बैठा करके कृष्ण का सारे बल वीर्य पराक्रम वहीं पर खत्म हो गया। तब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कृष्ण जब छह दिन का था, पुतना जैसे राक्षसी इतने भयानक राक्षसी कृष्ण को टस से मस भी नहीं कर पाए। लेकिन कृष्ण तब 3 साल हो गए, कृष्ण का सारे बल वीर्य क्यों, मैया की वात्सल्य प्रेम है। मैया क्या सोचते, मेरे लाला है, मेरे कोप से जन्म लिया तुम है, इसे बैठे हुए बैठ गया। इसलिए भगवान प्रेम को सामने भगवान की सारे ऐश्वर्य सब स्तंभित हो जाती। इसलिए चुप कृष्ण चुपचाप बैठ गए और मैया चली गई दूध रखा करने के लिए। उसको पर पानी की छिड़काव दी, देख रहे उसको शांत की। इतने में कृष्ण को इतने क्रोध आया ना, अब देखना बच्चों को कभी जब क्रोध आ जाए ना, सामने जो मिलता है ना सब ठेक फाँक करके तसनस कर देते हैं। भले मेरे को आधा दूध पिला कर चली गई, अभी मैं दिखाऊंगा कितने दूर को तू बचाओ, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। इतने में कृष्ण ने किया कि इतना जो बड़ा मटकी था ना, सोचे पूरा मटकी पलटा था, कृष्ण पकड़ करके हिला, लेकिन मुझे टस से क्यों, मटकी थी बहुत बड़ी थी है, उसको नीचे मला होता है ना कुछ क्या बोलते नीचे जिसको ऊपर बैठ कर रहता है, वह मटकी टस से मस नहीं हुआ। बोले कुछ हो ही नहीं रहा और क्या करे, देखा वहां पर सील लुढ़ा पड़ा हुआ था, है उठाया और मार तो मटकी पूरा फूट गई और जितना दही सब मट्ठा बन गया था ना ये सब निकल गया। कृष्ण खुश हो गए, मैंने बच्चे लोग जैसे कहते मटकी फोड़ दी, खुश हो गए हाँ, और धीरे धीरे निकल रहा था देख देख खुश हो गए। लेकिन जब सबके सब निकल गया ना, ए निकल गया तो कृष्णा सोच रहे हैं अगर मैया आ करके देखेगी फिर तो डंडा है कि नीचे नहीं, सब डंडा पीठ को ऊपर पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने सोचा अभी क्या करो, अभी क्या करो। इतने में कृष्णा वहां से उन्होंने दूसरे घर में जा करके उखल पर खड़े होकर के वहां से मक्खन उतार उतार कर बंदर और कौओं को कृष्णा खिलाने लगे। फिर क्या होता है फिर हम उसका आज कथा कल इस कथा को ठीक है। चोर भगवान की गौर ब्रह्मानंद श्रीधाम भैया की एक भजन गा लो अच्छा क्या गला 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 हाँ दर्द है, गला भी दर्द हो गया तुम्हारा।
बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो हरे राम जय श्री गुरु ब्रह्मा जी का जय 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 जय श्री